बस 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 हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज है संडे और आज मैं ट्राई करने वाला हूँ चिकन बिरयानी। और एक्चुअली ये चिकन बिरयानी है वो मैं घर पे बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो चिकन बिरयानी है कैसे बनता है, आप लोग इसको घर पे कैसे बना सकते हैं। अभी तो फर्स्ट टाइम बना रहे, देखते हैं बन पाता है या नहीं बन पाता है, या अच्छा बनता है या ख़राब बनता है। देखते हैं, अब नीचे चलते हैं और टोटल चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कि चिकन बिरयानी में आपको क्या क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे, कौन कौन सा सामान इसमें लगता है, टोटल चीज़ इस वीडियो में आप लोग क्लियर करेंगे। तो ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होगी। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने प्याज काट लिया है, आधा केजी प्याज है, आधा केजी चिकन लिए हैं और आधा केजी ये प्याज है। तो भाई, हम लोगों ने ये बासमती चावल लिया है यहाँ पर देखिए, और इसका जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 185 रुपये का। ठीक है, कितना दिया है? 130-140, मतलब 120 रुपये आपको, मतलब प्राइस ज़्यादा है, 120 का पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग काटते हैं। ठीक है, मॉल से अगर लेंगे तो मॉल में आपको ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आधा के जी के लगभग में चावल लेते हैं। ठीक है, फिर आधा के जी के लगभग ये चावल है, इसको हम लोग 1 घंटा के लिए धोकर छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आगे का चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चावल रख लिया है। ठीक है, और इधर हम थोड़ा कुछ देर के लिए प्याज भूल जाते हैं, उसको आधा से 1 घंटा आपको छोड़ देना होगा। ज्यादा अगर मसाला रखना होगा तो आपको प्याज आधा केजी ही लीजिएगा। ठीक है, और अगर कम रखना होगा तो इसको कम आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग प्याज आपको यहाँ पे भूजना होगा। ठीक है, मैंने तेल यहाँ पे गर्म कर लिया है और इसको हम लोग डाल देते हैं। हम लोगों ने ये कुछ मिर्चा लिया है और ये अदरक है, और यहाँ पे कुछ हम लोग लहसुन डालेंगे जो कि पेस्ट बनाएंगे, जो कि चिकन को मैरिनेशन के लिए हम लोग डालेंगे। तो ये बहुत आपको ये देखिए, आपको पेस्ट बना लेना है। ठीक है, हम लोगों ने ये पेस्ट बना लिया है। इधर देख, तो गाइस ये हम लोगों ने आधा के जी चिकन लिया है। ठीक है, ज़्यादा चिकन नहीं लिया, आधा के जी चिकन का भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आधा के जी हम लोग चिकन लिया, इसको आप लोगों को मैरिनेशन कैसे करना है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको पहले धो लेते हैं। थोड़ा धनिया डाल देते हैं। ठीक है, ये हरा मिर्चा है, 2-4 पीस हम लोग डाल दिए हैं टेस्ट के अनुसार से। ये आपको जो भी मैंने अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो वाला है, देखिए इस टाइप को हरा मिर्चा इसमें है, अदरक है और लहसुन है इसमें। ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं। ये आपको हल्दी मैंने लिया है, ये गरम मसाला है, ये आपको गरम मसाला है, ये आपका धनिया पाउडर है। यहाँ पे हम लोग ये कुछ पत्ता लेते हैं, और इसमें हम लोगों ने कुछ दालचीनी लिए हैं, इलायची लिए हैं और काली मिर्च है शायद, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे दही। ठीक है, आधा केजी में आप 100 से 150 ग्राम आपको दही डालना है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है। ये हम लोग आपको ले लेना है, आपको ये कवर फेंकना नहीं होगा, ये कवर का काम आएगा बिरयानी का, जो चावल अभी बनाएंगे उसमें भी हम लोगों को ये काम आने वाला है। ठीक है, इसको आपको अच्छा सा मिक्स कर देना है। इसको इसमें हम लोग थोड़ा सा सरसों ऐड करेंगे, भूल गए थे डालने के लिए। इसमें हम लोग जो ब्राउन कलर का जो प्याज था उसको भी हम लोग मिक्स कर देंगे इसमें, क्योंकि जरूरी होता है। इसको हम लोग सब मिक्स करके इसको आधा घंटा के लिए भी हम लोग फ्रिज में छोड़ देते हैं, ताकि अच्छा से ये सेट हो जाए। तो भाई, जब हम लोग चावल को फ्राई कर लेते हैं, 90% 80% आपको बॉयल कर लेना है। ठीक है, ये भी हम लोग पानी गर्म करने के लिए इसको बॉयल करते हैं, ये चावल डालेंगे। ठीक है, खड़ा मसाला आप लोगों को मिल जाएगा गरम मसाला के रूप में, इसको थोड़ा सा डाल लेते हैं। ये मैंने इलायची डाल दिया है, और एक यहाँ पे हम 1 से 2 पीस आपको ये लौंग डाल देना है। ठीक है, ये लौंग, और जो मैंने ये खड़ा नींबू जो रखा था इसको ये आपको इसी में डाल देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों ने धनिया लिया है। ठीक है, ये फ्लेवर काफी अच्छा देगा, और ये 2-4 आपको खड़ा मिर्चा डाल देना है, और इसको आपको बॉयल होने तक वेट करना है। उसके बाद हम लोग डालेंगे चावल जो कि आधा घंटा पहले हमने धोकर रखा था। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ताकि उस समय आप लोगों को थोड़ा, बाद में भी नमक को डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नमक अभी डाल दे रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे उबल रहा है। ठीक है, तो उबलने के बाद इसमें हम लोग अब जो मैंने चावल जो भिंगो कर रखा था यहाँ पे, देखिए चावल इसको मैंने भिंगो कर रखा था, इसको अब हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा 80% तक आपको बॉयल करना है, ज्यादा नहीं करना है, तो इसको भी हम लोग डालते हैं। डालो, इधर देखिए राइस जो है इधर बॉयल हो रहा है, इसको 80% आपको बॉयल करना है, ज्यादा नहीं बॉयल करना है। और इधर देखिए, इधर में हम लोग तेल इधर चढ़ा हुआ है। ठीक है, आधा घंटा के बाद ये प्रोसेस करना है, आधा से 1 घंटा के बाद। तो अभी इसको हम लोग डालते हैं, इसमें आपको खड़ा मसाला डाल दीजिएगा, इधर
के थोड़ा सा डाल दिया। चिकन ऐसा हो गया चिकन। तो गाइस इसमें हम लोग प्याज ऐड करेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने प्याज ब्राउन कलर का भूंजा था, इसको हम लोगों को ऐड कर लेते हैं। इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, धनिया पत्ता आप लोगों को डाल देना होगा। आप इसको राइस को जो लेयर में भी आप चढ़ा सकते हैं, चाहे आप विदाउट लेयर में भी आप एक बार में भी डाल के इसको अच्छा से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेयर में डाल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फूड कलर डालेंगे, जो इसमें देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर से जो प्याज जो हम लोग ब्राउन कलर का भूजा था उसको आप लोगों को डाल देना है। थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसे ये हम लोगों ने फूड कलर यहाँ पे डाल दिया। ढक्कन हम लोग एक से दो ढक्कन हम लोग केवड़ा जल डालेंगे, जो कि आप लोगों को जो शादी में जो बिरयानी मिलता है आपका वो टेस्ट यहाँ पे देगा आप लोग। इसमें थोड़ा सा हम लोग घी ऐड करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने घी ऐड कर दिया है, जो हम लोगों ने चावल बॉयल किया था उसी का ये पानी है, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ताकि नीचे सटे ना, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है। एक सीटी आने तक, एक से दो सीटी आने तक इसको आप लोगों को क्लोज कर देना है। इसको आप लोगों को लो फ्लेम में एक सीटी आने तक आपको वेट करना है, ठीक है। एक या दो सीटी आ जाने के बाद आपको बंद कर देना है गैस को, और इसको गैस को इसी में रहने देना है, ठीक है। और उसके 15 मिनट के बाद इसको ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं एक सीटी आने का। ऐसे करके निकालना ना, बिरयानी जैसा गंद आ रहा है पूरा, एकदम भयानक लग रहा है पूरा। नहीं ऐसे साइड से करो, तो साइड से, ठीक है ना। चलो चलो निकालो निकालो, वो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें निकालो, एक ही बार उलट रहा है, इसे निकालो ना इसे। नहीं तो हिलाइए ऊपर से। थोड़ा सा चलिए इसको अच्छा से कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। चल रहा है मत नहीं, चलो उसको हिलाइए अच्छा से, ऐसे ऐसे हिलाइए। बस 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 छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हो गया।